रविंद्र तिवारी, बेसिकली म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और म्यूज़िक ही करता हूँ। और कुछ नई शुरुआत है? ये क्या नई शुरुआत है, वही तो पूछ रहा हूँ। ये नई शुरुआत एक फिल्म की है, जो फिल्म बनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, यही एक नई शुरुआत है। आप फिल्म जी, आप फिल्म में मुझे बताया गया कि आप लीड एक्टर हैं। यस जी। तो कैसे ये ऑफर आया आप तक कि भाई? ऑफर तो हिमेश रेशमिया के बाद मैं जहाँ तक जानता हूँ अकेले म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आप हीरो बन रहे हैं। जी सर, थैंक यू। तो जरा बताएं, भोजपुरी के हिमेश रेशमिया जी। जी, एक्चुअली ये बचपन से ही मेरा शौक रहा है और बचपन से ही मैं एक्ट करता चला आया हूँ। ये बचपन से मैं, जैसे गांव में थिएटर होता है, रामलीला होता है, उसमें बेसिकली मैं राम का रोल करता था। अब कई सालों तक मैंने राम का रोल किया, फिर विष्णु का रोल किया, नारद का रोल किया, तो वहाँ से ये प्रेरणा मुझे मिली और मैं वहीं से एक्ट करते हुए आ रहा हूँ। बेसिकली एक्टिंग तो मेरे मतलब रग रग में है, मैं वो करना ही चाहता हूँ। मेरे मतलब बचपन से मेरा ख्वाब था और मैंने माध्यम चुना संगीत का। तो हीरो बनते बनते म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बन गया? एक्चुअली मैं यहाँ जब आया तो मैं म्यूजिक सिखा रहा था। एक्चुअली मैं म्यूजिक सीखा, म्यूजिक का सारा कोर्स किया मैंने और म्यूजिक में मैं यहाँ म्यूजिक क्लास चलाया 2 साल। और म्यूजिक क्लास चलाने के बाद उसके बाद मैंने म्यूजिक डायरेक्शन में आया और म्यूजिक डायरेक्शन कर रहा हूँ, अभी भी वो चल रहा है। फिल्म को लेकर क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आप? फिल्म की तैयारियाँ ये है कि जितना अच्छा कर सकूँ, मेरा सोच यही कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर सकूँ, ये मेरा प्रयास है। खुद के लिए कुछ सीख रहे हैं, एक्टिंग या डांस? एक्टिंग भी सीख रहा हूँ, डांस भी चालू है, 2 महीने से डांस भी कर रहा हूँ, स्टंट भी किया, अभी 4 महीने हो गया स्टंट करते हुए, तो सारी चीज़ें तैयारियाँ चालू हैं। गाते हैं आप? जी गाता हूँ। थोड़ा सा गा के सुनाइए कुछ। एक गाना था टाइटल सॉन्ग, कोई भी गाना सुनाइए। मैं एक हिंदी सॉन्ग मैंने कंपोज किया है, टाइटल सॉन्ग भी है और एक गाना है मेरा इस तन लागी इस मन लागी प्रीत तेरी संग बोलन लागी इस तन लागी इस मन लागी प्रीत तेरी संग बोलन लागी सब्र न होवे प्यारे 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 क्या बोले सुन जिया रे क्या बोले सुन जिया रे। बेहतरीन, बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच।